अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम आईफोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आना है सेटिंग्स के अंदर। जैसे हम सेटिंग्स के अंदर आएंगे देन हमें आना है कंट्रोल सेंटर के अंदर। कंट्रोल सेंटर के अंदर आने के बाद हमें आना है कस्टमाइज कंट्रोल्स पे। और अब हमें ऊपर माइनस पे नीचे से नज़र आ रही होंगी और नीचे प्लस पे। जब हम प्लस को क्लिक करेंगे ऊपर जाकर माइनस में ऐड हो जाएगी। जब हम नीचे से खोलेंगे ये रही जो हमने ऐड किया था एयर वाला, ठीक है। और मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड नीचे प्लस पे था, जब मैंने प्लस पे क्लिक किया और जो माइनस पे यहाँ पे ये रहा आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह मैं इसको आप क्लिक करूँगा तो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ईजिली कर सकते हैं जो रेड ब्लिंकिंग हो रहा है इसे। और अगर हमने वॉइस के साथ रिकॉर्डिंग करनी है देने से मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा कि माइक्रोफोन ऑन आ रहा है। मैंने इसको क्लिक किया ऑन हो गया, ये पहले ऑफ का ऑप्शन था, ठीक है। जब हम इसे ऑन करेंगे देन वॉइस के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी। सो ये थी हमारी आईफोन की पहली ट्रिक। सो फ्रेंड्स, अब हम सेकंड ट्रिक की तरफ आते हैं। देन हमें ये आपको वाइट सर्कल नज़र आएगा जिसे मैं शेक कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अब हमने इनेबल कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद हमने आना है जनरल के अंदर। जनरल के अंदर आने के बाद हमें आना है एसेसिबिलिटी के अंदर। देन हमें स्क्रॉल डाउन करना है, देन ये हमें नज़र आ रहा होगा एसेसिटिव टच, इसे अब हम करेंगे ऑन। सिंगल टैप पे अगर हम इसे क्लिक करेंगे, एक दफ़ा क्लिक करेंगे होम पे आ जाएगा। डबल टैप करेंगे ओपन मेन्यू हो जाएगा। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो उसकी लॉक स्क्रीन हो जाएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है। इससे ये होता है कि हम होम बटन थोड़ा कम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारा फिंगरप्रिंट महफूज रहता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। और आईफोन का अगर फिंगरप्रिंट ख़राब हो जाए तो उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा लो हो जाती है। और ये ट्रिक बहुत ही यूज़फुल है आप भी। सो फ्रेंड, थर्ड ट्रिक ये है कि हम जब भी हमारे फ़ोन पर कॉल या मैसेजेस आए तो हमारी ब्लैक फ्लैश लाइट ब्लिंकिंग करे। तो ये भी आईफोन का बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। चलें अब इसे भी इनेबल करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स पे आने के बाद हमें आना है जनरल के अंदर। जनरल के अंदर हमें दोबारा आना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आने के बाद हमें करना है स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन देन हमें नज़र आ रहा होगा एलईडी फ्लैश फॉर अलर्ट्स, इसे हम करेंगे ऑन। ये यूज़ एलईडी फ्लैश फॉर अलर्ट्स व्हेन द रिंग स्विच इज सेट टू साइलेंट, मतलब अगर साइलेंट पे भी होगा या फिर साइलेंट पे नहीं भी होगा तो ये फ्लैश ब्लिंकिंग करेगी। ये बहुत ही आईफोन की अच्छी और यूज़फुल ट्रिक है। सो फ्रेंड्स, ये आईफोन की लास्ट ट्रिक रही। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है जो लोग टैक्स ज़्यादा करते हैं आईफोन के ऊपर। सो अब हमें टैक्स के अंदर आना है। कोई भी हमने टैक्स करना है, फॉर एग्जांपल हम टैक्स लिख रहे हैं और हम इसको रेज करना चाहते हैं, देन हम मोबाइल को शेक करेंगे। जैसे ही शेक करेंगे अनडू हो जाएगा। अनडू पर क्लिक करेंगे ये रेज हो जाएगा। अगर हमें मिसिंग हो रहा है कि हमें वही टैक्स दोबारा चाहिए, दोबारा हम शेक करेंगे। जैसे ही हम शेक करेंगे रीडू, वही लिखा हमारे पास दोबारा आ जाएगा। ये आईफोन की बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी है देन प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।